हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अजब डैड की गजब बेटी में आप सबका स्वागत है। हाय। आज का हमारा व्लॉग है चिन्नू मैडम के ऊपर। हमारी चिन्नू मैडम हो गई है बीमार। जी हाँ, उसको इन्फेक्शन हो गया है, सर्दी खांसी। तो डॉक्टर के पास जाकर आए हैं हम अभी। उन्होंने दी है बहुत सारी दवाई और इंजेक्शंस भी दिए हैं, दवाई भी दिए हैं। मैडम ने इंजेक्शन भी खाया है जो उसको नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैंने उसको देखिए खांसी और उसको खा टेस्ट किया तो ये कोरोना नहीं है बट वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बोला है डॉक्टर ने। तो उसके वजह से एक दो दिन आराम करने बोला है, मुंह को भी और शरीर को भी आराम देने बोला है। ज़्यादा बड़बड़ नहीं, इसलिए सिर्फ बात नहीं कर रही, सिर्फ देख ही रही है। और ये चल रहा है उनका टाइम पास नाश्ता। और दूसरी बात, ये देखिए हमारी चिपकली। एक और चीज़ जो इन दिनों अच्छी हुई है वो है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। कहते हैं रिंग मास्टर अच्छे से अच्छे और अड़ियल शेर को अपने बस में कर लेता है, लेकिन इस रिंग मास्टर ने, हमारे मैडम ने, हमारे जिमी को अपने बस में कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं, ये सच है। और सच में हमारे रिंग मास्टर ने जिस तरह हमको काबू में किया है, उस तरह जिमी को भी काबू में कर लिया है। काबू में कुछ नहीं, बट ऐसे बस को डिसिप्लिन सिखा रही हूँ, क्योंकि वो उसे खाना देते वक्त वो पूरा आग पे चढ़ती है और काटने लग जाती है। तो मैं अभी उसको सिट और स्टे सिखाया है मेरे उसको, मतलब काफ़ी। लेकिन हाँ वो तो है, लेकिन गौर करने की चीज़ है, इससे पहले भी मेरे पास जो थी जिमी थी वो तो जर्मन शेफर्ड थी वैसे, लेकिन उसको कभी मैं सिखा नहीं पाया या फिर मैंने कभी शायद से उतना कोशिश नहीं किया होगा। लेकिन ये 2.5 साल का बच्चा जो हमारा पपी है वो सच में सीख गया है। उसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा, शूटिंग करके आपको दिखा दूंगा इसी व्लॉग में या फिर अगले व्लॉग में। जब फर्स्ट डे था और उसने फर्स्ट नहीं सेकंड डे था और उसने काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि वो जब भी हम लोग पहले उसको खाना देते थे वो पूरा आप पे चढ़ती थी, काटती रहती दो दो जैसे प्लेट रखाने की शुरू हो जाती थी। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि डिसिप्लिन सबसे पहले खाने से शुरुआत करो ताकि उसको मालूम हो उसके बॉर्डर्स क्या है। मुझे कुछ लोग बोल रहे थे, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे, बेचारे उसको तरसा के रखा है उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए खाने के लिए। तरसाने की बात नहीं है, हम भी हमारे बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं। अगर आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हो तो सबसे पहले शुरुआत हमें खाने के ऊपर से करनी चाहिए, क्योंकि उसी टाइम है जब बच्चे आपकी बात ज़्यादा करके मानते हैं। तो फिर मैंने उस जो टेक्निक कर रहे थे सीट एंड स्टे जो भी है, तो मैंने उनसे ही सिखाए और उनसे ही जिमी पे ट्राई किया था। फर्स्ट डे पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, तो मैंने सोचा है कि मैं हर दिन उसे सिट एंड स्टे का कमांड दूंगी ताकि वो शांति से उछल कूद ना करे या किसी को काटे ना खाना खाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल वो काफ़ी हद तक शांत है। लास्ट टाइम भी मैंने जब वीडियो बनाया था तो जब मैं उसके बाद से प्लेट हटा रही थी तो कुछ पेडिग्री के दाने गिर गए थे, तो मैडम वो उठा के खा रही थी। अब उस पर काम करना होगा कि वो नीचे पड़ा हुआ ना खाएं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, थैंक्स टू यूट्यूब के हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बिना पैसे खर्च किए या बिना कुछ किए ही हमें हमारे बच्चे को धीरे धीरे ट्रेन करना आ रहा है। मैंने थोड़ा बहुत पॉटी और सुसु के लिए भी उसको ट्रेन किया है कि वो बाथरूम में जाके करे, काफ़ी हद तक वैसे करती है। पर एक्चुअली मैं क्लास लेती हूँ, हॉल रूम में क्लास रहती हूँ और जिमी सोती है बेडरूम में, तो सुबह और शाम का जो टाइम है उस टाइम पे वो नहीं कर पाती है, क्योंकि दरवाज़ा बंद रहता है और दरवाज़ा जैसे ही खुला मैडम छूट जाती है सबके ऊपर काटने के लिए। इसलिए मैं कृषा को उसके साथ रखती हूँ और वो उधर ही सु और पॉटी कर रही है। तो थोड़ी और बड़ी हो गई तो हम लोग उसको बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि अगर अभी बाहर लेके गए तो बहुत सारी बीमारी उसको लग सकती है और मैं नहीं चाहती कि उसे कोई बीमारी लगे। वैसे भी मैं उसकी माँ हूँ तो उसका पॉटी और सुसु साफ करना ही पड़ेगा।
तो मैडम बहुत बहुत हद तक सुधर गई है पहले दिन के हिसाब से, क्योंकि पहले दिन में तो उसने सब तरफ फाड़ फूड़ के रख दिया था। हमने उसका डॉल हाउस भी दे दिया किसी और को, एक मेरे ही एक स्टूडेंट है उसको ही हम लोग ने उसका डॉल हाउस, त्रिशा का डॉल हाउस दे दिया, क्योंकि वो उसे भी फाड़ कर खाते बैठी थी। और वो अगर चॉकअप विकअप हो गया कार्डबोर्ड वगैरह तो तकलीफ हो सकती है उसको। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग जो डॉलर्स कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहते थे वो डॉलर्स हमने जिमी के लिए कुर्बान कर दिया है। उसकी छोटी छोटी वीडियोस बनाए, पर जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मैं एडिटिंग करूँ उसका। तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं बाद में उसके कुछ वीडियोस डाल दूँगी यूट्यूब पे, जो छोटे मोटे हैं सेशंस आपको डाल दूँगी। सिर्फ ये मैडम के लिए हम लोग बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एक बच्चा आता है तो हम कैसे अपने घर में बहुत सारी चीज़ें, हमारी नींद, हमारी शांति वगैरह सब कुछ हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं। सेम फीलिंग है जब आप एक डॉग ला रहे हो, तो आप प्लीज़ अगर आप छोटा डॉग ला रहे हो तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बहुत टेक केयर करना पड़ेगा। वो हर एक चीज़ कार्डबोर्ड से लेके सीमेंट खोद के खाने को दिख रही थी। फिर क्या है, ये जो हमारा सोफ़ा फाड़ के खाने को दिख रही थी, और जो प्लाई है, जो दरवाजे का प्लाई है वो तोड़ के खाने को दिख रही थी। ऐसे एक बार तो ऑलमोस्ट चौकअप ही हो गया था, मैंने उसको उल्टा किया, वो भी यूट्यूब से देखा क्या करने का। अभी फ़िलहाल मैं यूट्यूब पे एक ही चीज़ देख रही हूँ कि जिम्मी ऐसा की तो क्या करना चाहिए, जिम्मी वैसे की तो क्या करना चाहिए। हम लोग सब कुछ यूट्यूब से देख के कर रहे। तो कल भी उसने मिर्ची की एक जो बैक साइड रहता है उसका स्टिक रहता है वो खा लिया था, और खौ खौ करके घूम रही थी। उस टाइम पे भी मैंने उसको उल्टा किया और ग्रेविटी की वजह से वो मिर्ची का जो भी स्टिक जो अटका हुआ था वो बाहर निकला। तो बहुत कुछ आपको सीखने मिल रहा है, और बहुत कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा है। तो अगर आपके पास डॉग है तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे और एक एक इंसान का वीडियो देख के प्लीज़ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। बहुत सारे वीडियोस देखिए और देखिए कि क्या चीज़ कॉमन है, तो उस कॉमन चीज़ को आप ट्राई कीजिए। मैं तो वैसे ही कर रही हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। अब मुझे उसका बाइटिंग थोड़ा सुधारना है। बाइटिंग वैसे उसने कम कर दिया है बहुत कुछ, हम लोग ने उसको चू स्टिक वगैरह बोन वगैरह दिया है, बट स्टिल उसको हमारे ऊपर आके बाइट करना बहुत पसंद है, और स्पेशली उसके कपड़े खाना बहुत पसंद है। तो मैं कितना भी छुपा जैसे ही मैं कबाड़ खोलती हूँ उसके अंदर से कोई तो भी कपड़ा निकाल लेती है और उससे फाड़ती हुई रहती है। तो वो उस पर भी बहुत कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जिम्मी के ऊपर, क्योंकि कपड़ा भी जाके अटक सकता है। तो ये मैडम हमारी तो बहुत डेंजर है, तो मैं वही चाहती हूँ कि थोड़ी जल्द से जल्द बड़ी हो जाए, ताकि थोड़ा काम कम हो जाए और मैडम थोड़ा बिहेव करना स्टार्ट कर दे। बस और क्या है, और कुछ नहीं। ओके, तो नेक्स्ट व्लॉग में हम ये देखेंगे कि कैसे डिसिप्लिन का असर हो रहा है उसके ऊपर, जिमी के ऊपर, जो हमारे रिंग मास्टर किस तरह से उसको ट्रेनिंग दे रही है। पापा कितना हार्श वर्ड लगता है रिंग मास्टर के, माँ बोलना कि माँ अपने बच्चे को नहीं सिखाती। ओके, तो नेक्स्ट व्लॉग में हम ये देखेंगे कि किस तरह एक माँ अपने बच्चे को डिसिप्लिन या अनुशासन सिखा रही है, और बेस्ट जो जगह है वो है खाने की। अगर वो वहाँ पे अगर सीख गई तो आगे जाके बहुत से जगहों पर वो सीख जाएगी। जी मैं, हमारी बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अगर वो स्मार्टनेस उसको सही जगह हम लोग डाइवर्ट कर पाए, बहुत अच्छी वेल ग्रूम्ड वेल ट्रेन्ड एक बहुत अच्छा बच्चा बनेगा, बहुत अच्छा बच्चा बनेगा। तो मैं चाहती हूँ कि जिम ऐसे बने। और ये देखो अजय महाराज के बाद आपको नहीं लगता है, इसको हेयर कट की जरूरत है। सौ बार बोल चुकी हूँ पर ये सुनने वाले नहीं है। आप बोलिए तो, वैसे तो भी इन्हें सुनने दो। ठीक है आप कमेंट कर दीजिए मुझे हेयर कट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं कर लूंगा वो हिसाब से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया। Thank you. Bye bye. Bye bye.